हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने यूनिट वन का पार्ट फोर्थ, जो कि है रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें क्या बताया जाएगा, हमें बताया जाएगा कि जो हमें बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो अब ये जो मेरा ह्यूमन का एस्पिरेशन है इसको फुलफिल करने के लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या है, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट इफ वी हैव फुलफिल्ड आवर बेसिक एस्पिरेशन, इट इज नॉट ऑलवेज सो अफर्मेटिव, देयर इज क्वाइट अ गैप बिटवीन आवर बेसिक एस्पिरेशन एंड आवर स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब हम पता लगाते हैं कि हमारी जो बेसिक एस्पिरेशन है वो हमें कैसे फुलफिल करनी है, तो बहुत ज्यादा हम जब इसको ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा गैप है हमारी बेसिक एस्पिरेशन में और जो हमारी करंट स्टेट है उसमें। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द एफर्ट वी वर मेकिंग, वी कैन इजली सी दैट वी आर जनरली वर्किंग फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आजकल जो प्रिवेलिंग नोशंस हैं प्रॉस्पेरिटी को लेके, वो क्या है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं फिजिकल फैसिलिटी को, और वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम रिच होंगे उतने ज़्यादा हम प्रॉस्पेरस और हैप्पी होंगे। पर ये एक नोशन है, लोगों का एक सोचने का तरीका है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप रिच हैं तभी आप हैप्पी हैं, तभी आप प्रॉस्पेरस हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि आजकल लोग क्या सोचते हैं कि आजकल लोग सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि वो जितनी ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट कर पाए उतनी ज़्यादा वो कर सकें। सो द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट वी हैव अज्यूम दैट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विल ऑटोमेटिकली कम व्हेन वी हैव इनफ फिजिकल फैसिलिटी। तो वही चीज़ मैंने बताई कि हम लोग की मेन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आजकल अज्यूम कर रहे हैं कि जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है वो अपने आप से आ जाएगी जब हमारे पास इनफ फिजिकल फैसिलिटी होगी, मतलब जब हमारे पास पैसे होंगे, इनफ हमारे पास जो सुविधाएं होती है, जो फिजिकल फैसिलिटी है वो अगर इनफ क्वांटिटी में होंगी, इनफ अमाउंट में होंगी, तो हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरस होंगे, जिसकी वजह से जो हमारी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी वो फुलफिल हो जाएगी। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट कर पाए, जितना गैदर कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। So if continuity of happiness and prosperity is not achieved by just accumulating physical facility, then what else is essential to do? अब जैसे हमें पता है कि सिर्फ जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको गैदर करने से हमारी जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अचीव हो ही पाएगी, तो फिर और किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपना जो ह्यूमन का एस्पिरेशन है कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का उसको फुलफिल कर पाएँ। पर इसमें यही बताया गया है कि जो आजकल ह्यूमंस क्या कर रहे हैं वो सिर्फ इसी में लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक कि वो जितना ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी, जितना ज़्यादा रिच हो पाए वो करें, उतना ज़्यादा वो फिजिकल फैसिलिटीज़ को एक्यूमुलेट करने में रेस में सब लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी जो ह्यूमन एस्पिरेशन है कि कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस हमें मिलती रहे, हम लगातार हैप्पी स्टेट में रहें और प्रॉस्पेरस रहें, वो सिर्फ मेरी एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज से नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि क्या और चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हमारी जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की वो फुलफिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट बाई आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अब हमें पता लगाना है कि ऐसी कौन सी और ज़्यादा अगली चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ के अलावा हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि इज द अनहैप्पीनेस इन माई फैमिली, तो हमारे जो घर में, हमारी जो फैमिली में जो अनहैप्पीनेस है वो किस कारण की वजह से है। मोर ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, सबसे पहला रीज़न है कि हमारे घर में उस हिसाब से फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, या फिर मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे घर में जो रिलेशनशिप है फैमिली मेम्बर्स के बीच में वो सही से फुलफिलिंग नहीं है, उनमें फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रीजंस निकालने हैं, हमें देखना है कि जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं फिजिकल फैसिलिटी उसके अलावा हमारे क्या चीज़ें हैं जिसको हम इम्पोर्टेंस दें ताकि हमारी जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो सके। तो क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें इसके हिसाब से अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने हैं। क्या है वो क्वेश्चन कि मेरी जो घर परिवार में, जो मेरी फैमिली में जो अनहैप्पीनेस है वो किस वजह से है। पहला रीज़न हो सकता है या तो वो मेरे घर में फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, इतने हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो जो फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से घर में लड़ाइयाँ या अनहैप्पीनेस हो रही है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फुलफिलिंग नहीं है। ठीक है,
सो व्हेन यू एक्सप्लोर इनटू इट, तो ये दोनों सवाल जब आप लोग अपने से पूछेंगे, जब एक्सप्लोर करेंगे, यू विल फाइंड दैट द मेजर रीजन फॉर द अनहैप्पीनेस इन द फैमिली इज द लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप एंड नॉट जस्ट द लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी. ठीक है, तो जब आप ये दोनों सवाल अपने आप से पूछेंगे, अपने को एक्सप्लोर करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो आपको पता चलेगा जो मेजर रीजन है अनहैप्पीनेस फैमिली के अंदर, वो ये नहीं है कि हमारे घर में फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है इसीलिए, लेकिन ये सिर्फ नहीं है. हो सकता है कि फिजिकल फैसिलिटीज ना हो इसलिए अनहैप्पीनेस हो, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन अकेला सिर्फ यही रीजन नहीं है. दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे घर में जो रिलेशनशिप है वो फुलफिलिंग नहीं है, जो फैमिली मेंबर्स और बाकी लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उनका जो नेचर है वो फुलफिलिंग नेचर का नहीं है. सो नाउ टू लुक एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एफर्ट, फाइंड आउट. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है. सो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एंड हाउ मच टाइम एंड एफर्ट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें अपने आप से फिर से हमें देखना है कि हम कितना टाइम और कितना एफर्ट हम लगा रहे हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में, एक्यूमुलेट करने में, और कितना हम टाइम और एफर्ट अपना लगा रहे हैं ताकि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हो, वो फुलफिलिंग नेचर की हो. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें वेरीफाई करनी है खुद से, कि जो हम ज़्यादा टाइम कहाँ पर लगा रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम और एफर्ट अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में लगा रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम और एफर्ट हम अपने रिलेशनशिप्स को फुलफिल करने में लगा रहे हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एफर्ट इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन व्हेन देयर इज इनफ फिजिकल फैसिलिटी एंड देयर विल बी अनहैप्पीनेस इन द फैमिली. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आजकल जो प्रिवेलिंग नोशन है प्रॉस्पेरिटी की, वो क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर कर पाए और वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा वो रिच होंगे उतने ज़्यादा वो प्रॉस्पेरस है, उतने ज़्यादा वो हैप्पी हैं. पर ये बात सही नहीं है. क्यों? क्योंकि जो हम लोग का ज़्यादातर टाइम और एफर्ट जहाँ जाता है वो कहाँ जाता है, हम लोग ज़्यादातर टाइम और एफर्ट कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में. हम ज़्यादा टाइम और एफर्ट वहीं पर लगाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एफर्ट हम उसी चीज़ में लगाते हैं अपना, कि जितना हो सके उतना पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा किसी को ख़राब नहीं लगता है ना. तो अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, और हम क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि हम बस पैसा गैदर करते रहें और जिस समय हमारे पास इनफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हो, इनफ पैसा, इनफ लग्जरियस लाइफ हो, तो फिर क्या होगा, हमारी जो ज़िंदगी, हमारी जो फैमिली है उसमें अनहैप्पीनेस नहीं होगी. ये हमारा अजम्पशन है कि हम पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे अपना टाइम और एफर्ट उस फिजिकल फैसिलिटीज़ के पीछे भागते हुए, और अज्यूम करते हैं हम लोग कि जितना हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज होगी उतना हम खुश रहेंगे और उतना हमारे घर में अनहैप्पीनेस नहीं होगी. सो द प्रॉब्लम्स आर मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप. पर मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, मेन रीजन है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें लैक ऑफ फुलफिलमेंट है, उसमें फुलफिलिंग नेचर नहीं है. और ये क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एफर्ट कहां पर लगा रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज को गैदर करने में लगा रहे हैं. इसीलिए हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम सही से टाइम नहीं दे पा रहे, हम सही से अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे ताकि जो हमारी रिलेशनशिप है वो फुलफिल हो सके. एंड वी आर इन्वेस्टिंग मेजर पार्ट ऑफ अवर टाइम एंड एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज. तो यही एक मेन, यही एक जो हमारा जो मेन रीजन बोल सकते हो आप लोग, वो यही है कि हम अपनी जो रिलेशनशिप है उसको ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं. क्योंकि हम कहां पे लगे हुए हैं, क्योंकि हम लगे हुए हैं अपनी फिजिकल फैसिलिटीज को गैदर करने में. अपना सारा टाइम और सारा एफर्ट से हम फिजिकल फैसिलिटीज को ही दे रहे हैं. ठीक है, सो विद दिस डिस्कशन, इस पूरे डिस्कशन के बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, द कंक्लूजन दैट वी वांट टू ड्रॉ आउट ऑफ दिस इज अ वेरी सिंपल वन. सो इस पूरा जो मैंने आप लोग को बताया कि आजकल लोग सिर्फ पैसे के, फिजिकल फैसिलिटीज़ के ही पीछे भाग रहे हैं, और हमें कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछने हैं, फिर हमें उसको सेल्फ एक्सप्लोर करना है, सेल्फ वेरीफाई करना है और चेक करना है कि हमारी जो फैमिली है उसमें अनहैप्पीनेस किस वजह से आ रही है, फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से या फिर लैक ऑफ फुलफिलमेंट की वजह से. जो हमने सारे यहाँ पर चीज़ों को रखा सामने और खुद से वेरीफाई किया, तो हमें पता चला कि हम सारा जो हमारे जो टाइम और एफर्ट है वो कहाँ जा रहा है, फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में, और जाना कहाँ चाहिए, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट के लिए. तो जो मेन कंक्लूजन इस पूरे समरी से हमें पता चला वो सिर्फ एक लाइन का है कि फॉर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों के लिए फिजिकल फैसिलिटीज नेसेसरी हैं बट रिलेशनशिप इज आल्सो नेसेसरी. मतलब इस पूरे चीज से हमें ये चीज पता चली, जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए फिजिकल फैसिलिटीज तो जरूरी है ही, लेकिन उनके लिए रिलेशनशिप भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है मेरी ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे. ठीक है, सो इन फैक्ट बाय सीइंग दिस वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, फिजिकल फैसिलिटीज. और इसी तरह से
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट का, जो मैं आगे बताऊंगी कि एनिमल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होता है। बस मैं अभी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग के बीच में। कैसे? फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर एनिमल एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमें भी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, एक एनिमल को भी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। लेकिन एनिमल्स के लिए क्या है? एनिमल के लिए जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो नेसेसरी है और एडिक्वेट भी है। एडिक्वेट का मतलब है कि उनको जरूरी है, उनको जब जरूरत पड़ी उन्होंने ले ली, ठीक है, उनके लिए एडिक्वेट मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या समझ में आया इस पूरे से? में सिर्फ एक लाइन समझ में आई, जो आप लोग पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो उसको बोल्ड में करके लिखना कि फॉर ह्यूमन बींग फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नेसेसरी एंड द मेन गवर्निंग फैक्टर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग इज दैट द फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर एनिमल एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग बट इन केस ऑफ एनिमल इट इज एडिक्वेट ऑल्सो, ठीक है। इतना मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कि बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग, अभी हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एनिमल्स के लिए जो फिजिकल फैसिलिटी है वो नेसेसरी है और उनके लिए एडिक्वेट होती है, ठीक है। अब ह्यूमंस के लिए क्या है? बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग दैट इज नॉट द केस, ये केस नहीं होता है। फिजिकल फैसिलिटी इज अ नेसेसिटी, नेसेसरी तो है ही, बट फिजिकल फैसिलिटी अलोन इज नॉट गोइंग टू सफाइस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। अब ह्यूमंस के केस में क्या होता है? ह्यूमंस के केस में बेसिकली ये होता है कि जो फिजिकल फैसिलिटी होती है वो उनके लिए नेसेसरी तो है ही, लेकिन सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी से जो ह्यूमन बींग की जो लाइफ है वो फुलफिलिंग नेचर की नहीं हो सकती है। मतलब क्या है? एनिमल्स को सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी ही चाहिए, उनकी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी ही होती है। ह्यूमंस के केस में अलग है, ह्यूमंस को फिजिकल फैसिलिटी तो नेसेसरी है ही, लेकिन सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी से एक ह्यूमन बींग की लाइफ नहीं चल सकती है। वो यहाँ पर समझाया गया है कि व्हेन अ ह्यूमन बींग हैज लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी शी और ही बिकम्स अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी। सो जब किसी ह्यूमन बींग की लाइफ में फिजिकल फैसिलिटी की कमी होती है, जैसे कि गर्मी है, आपको पंखा चाहिए, है ना, और आपके घर में सपोज करो कि गाँव में हो, पंखा नहीं है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पंखा नहीं है, तो इस समय क्या है? हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी की कमी है, तो हम इस समय अनकंफर्टेबल हैं और खुश नहीं है, ठीक है, हमें बहुत गर्मी लग रही है। सो वन ही शी गेट्स अ फिजिकल फैसिलिटी, ही शी फॉरगेट्स अबाउट इट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। अब सपोज करो कि आप गाँव से अपने घर आ गए, ठीक है, तो आपको घर में क्या है? एसी मिल गया, पंखा मिल गया, आप खुश हो गए, तो फिर वहां से जो आपका जो थिंकिंग है, जो आपका दिमाग है, वो उस जगह से हटके, अनहैप्पीनेस वाली स्टेट से हटके बहुत सी अलग चीजों में लग गया कि अब मैं घर में पहुंच गया हूँ, अब मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं अपने, क्या क्या काम करने हैं, तो हम उस जगह से, वहां से हटके हम कहाँ पे, हम कहीं और सोचने लगे किसी और चीजों के बारे में, ठीक है। तो इससे हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं? इससे हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं दैट फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स, इट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? फॉर एनिमल्स फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी एज वेल एज एडिक्वेट, जो हमने पहले ही पढ़ा था, एंड फॉर ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के केस में क्या? फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी तो है ही, बट फिजिकल फैसिलिटी अलोन इज नॉट एडिक्वेट। मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स के लिए केस में क्या होता है? एनिमल्स के केस में जो फिजिकल फैसिलिटी है वो उनके लिए ज़रूरी है और उनके लिए एडिक्वेट भी है, मतलब काफ़ी है, उनको सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? सिर्फ एक फिजिकल फैसिलिटी है जो उनको चाहिए, ठीक है। ह्यूमंस के केस में क्या है? ह्यूमंस को फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी है, लेकिन उनको फिजिकल फैसिलिटी की ही आवश्यकता नहीं है, उनको और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी से ह्यूमन बींग का जिंदगी जो है, जो लाइफ है, वो फुलफिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे से हमें यही समझ में आया कि एनिमल्स और ह्यूमंस बींग, ह्यूमंस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं दोनों के लिए ही फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है, लेकिन एनिमल के केस में वो एडिक्वेट होती है और ह्यूमंस के केस में वो एडिक्वेट नहीं होती है। सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी से ह्यूमंस नहीं सर्वाइव कर सकते, उनको रिलेशनशिप भी फुलफिलिंग चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब है यहाँ पर थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। अब जैसे मैंने बताया कि इस जो पूरे वीडियो है इसका मेन मोटो क्या है, इसका यही मोटो है कि हमने जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन पढ़ी थी पहले वाली यूनिट में, पहले वाली वीडियो में बेसिकली, कि हमें जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स या फिर जो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है उसको फुलफिल करने के लिए, वो चीज़ें क्या है? वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। और जिस ऑर्डर में लिखे हैं हमें उसी ऑर्डर में इनको प्रायोरिटी पे रखना है। मतलब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप मेरी सेकंड, और फिजिकल फैसिलिटी मेरी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है।
अब ये कैसे समझ में आएगा, देखो इस चार्ट के थ्रू यहाँ पर बताया गया, ये चार्ट आप लोग पेपर में बना सकते हो। अगर आए कि हमें बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप लोग ये डायग्राम उसमें बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, जो कि फर्स्ट दे रखा है। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। समझ का मतलब क्या है, सोचने का तरीका, या किसी चीज़ को, जैसे मैं आप लोग को एक यूनिट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आई, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, और ह्यूमन की एस्पिरेशन क्या होती है, किसको, उसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस का नजरिया क्या है फिजिकल फैसिलिटी को लेके, उनके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो एक सही समझ, एक सही अंडरस्टैंडिंग मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। किस किस लेवल पे, सेल्फ के लेवल पे। अब ये जो यहाँ पर सेल्फ लिखा है, ये आप लोग को सेकेंड यूनिट जब पढ़ोगे कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ एक अंदर सेल्फ नहीं है, बॉडी भी होती है, तो दो चीज़ों से बना एक ह्यूमन बींग, वो आपको सेकेंड यूनिट में ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ लो कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग को, सही समझ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ताकि हम जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको फुलफिल कर सके। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है मेरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब संबंध होना, भाई भाई बहन का संबंध, है ना, कि फादर मदर, है ना, ये सब, ये जो रिलेशनशिप होते हैं इसको हमें सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। दूसरे ह्यूमन बींग के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है, कोई हमारे फादर होंगे, मदर होंगी, है ना, तो इनके साथ जो रिलेशनशिप है, इनके साथ जो संबंध, या जितने भी तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, उनको हमें सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। मतलब सेल्फ का जो रिलेशन होगा दूसरे ह्यूमन बींग के साथ, उसको हम रिलेशनशिप बोलेंगे, जिसमें क्या आ गया, ट्रस्ट आ गया, रिस्पेक्ट आ गई, और भी बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं इसके अंदर, जो हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे जब हम फैमिली वाले केस को पढ़ेंगे, कि जब एक ह्यूमन बींग फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है तो कौन कौन सी फीलिंग उसमें आती हैं, ठीक है। अब थर्ड आता है फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी मैंने जैसे बता ही दिया कि सुविधा, सुविधा मतलब कि फिजिकल फैसिलिटीज, जैसे कि पंखा, चेयर, टेबल, मतलब ऐसी सब चीज़ें जो हमें लग्जरी के लिए चाहिए होती हैं, उसको हम फिजिकल फैसिलिटी के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल फैसिलिटी विथ रेस्ट ऑफ नेचर, ठीक है। सो यहीं पर, यहाँ पर ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें वही समझाया गया जो मैंने पहले समझाया, कि एनिमल्स के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है एंड लार्जली एडिक्वेट है, और ह्यूमंस के लिए नेसेसरी है बट नॉट एडिक्वेट, मतलब ह्यूमंस को इन ऑर्डर में काम करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप जो है, मैंने बताया रिलेशनशिप को हमें सेकंड प्रायोरिटी देनी है। तो जब हम, मैंने आप लोगों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले टॉपिक में भी बताया था कि जब वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो क्या क्रिएट करता है, वो म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट करता है, जिसको हम उभय सुख भी बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह से जब रेस्ट ऑफ नेचर के साथ होता है तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय स्मृति, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी क्या है, वो मैंने आप लोग को पहले वाले, उसके पहले वाले लेक्चर में समझाया है कि प्रॉस्पेरिटी क्या है, जब मेरे पास फिजिकल फैसिलिटीज जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो एक ओवरव्यू उसका पूरा ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें इस ऑर्डर में वर्क करना पड़ेगा, इस ऑर्डर में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट में क्या आ गया, राइट अंडरस्टैंडिंग आ गया, सेकंड नंबर पे क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया, और थर्ड नंबर पे क्या आ गया, थर्ड नंबर पे फिजिकल फैसिलिटीज आ गया, ठीक है। और एनिमल्स के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी और एडिक्वेट होती है, लेकिन ह्यूमंस के लिए नेसेसरी और एडिक्वेट नहीं होती है, ठीक। अब समझाया गया है जो मैंने तुम लोग को प्रायोरिटी बताया कि फर्स्ट पे राइट अंडरस्टैंडिंग लो, रिलेशनशिप पे लो। तो अब इसको और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, सिंपल भाषा में क्या है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ को, सही तरह से जो सोचने का तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वहीं पर, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करा गया है क्या है, ऑप्टेन अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज पिवोटल इन गाइडिंग आवर अप्रोच टू मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्स एंड नेविगेटिंग डाइवर्स रिलेशनशिप, इट सर्व एज अ फंडामेंटल टूल फॉर रियलाइजिंग आवर एस्पिरेशन। ये चीज़ यहाँ पर कि ये फंडामेंटल टूल है, मतलब सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल है मेरी एस्पिरेशन को बेसिकली रियलाइज करने के लिए, मार्किंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल एनिमल कॉन्शियसनेस टू मोर सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन अवेयरनेस। थोड़ा सा यहाँ पर टफ वर्डिंग है, इसको सिंपल में समझा देती हूँ, उसका मतलब कुछ नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है सही समझ होना, चीज़ों को सही से इंटरप्रेट करना, सही से अपना सही से लोग चीज़ों को सोच पाना और सही से उनको वेरीफाई कर पाना, एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एक सही अंडरस्टैंडिंग को हम राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और ये राइट अंडरस्टैंडिंग जो है कि मेरा फंडामेंटल, या फिर कह सकते हो सबसे मेन या इम्पॉर्टेंट टूल है मेरी एस्पिरेशंस को रियलाइज करने के लिए, या फिर ह्यूमन एस्पिरेशंस को क्या कह सकते हैं हम लोग, फुलफिल करने के लिए, है ना। और ये क्यों हमें ज़रूरी है, ताकि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन अवेयरनेस पे, ठीक है। आप देखो, अब मैं यहाँ बता ही देती हूँ कि वर्ड आई कि एनिमल कॉन्शियसनेस। तो एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है, एनिमल कॉन्शियसनेस होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एनिमल क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है।
तो आजकल यही देखा गया कि जो ह्यूमंस हैं उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है फिजिकल फैसिलिटी। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और चीज को देने के बजाय फिजिकल फैसिलिटीज को देते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो जो इंसानों के अंदर जो एनिमल कॉन्शियसनेस आ गई है कि वो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो फिजिकल फैसिलिटी को दे रहे हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट कर पाएंगे किसमें, ह्यूमन अवेयरनेस या फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्या होगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फिजिकल फैसिलिटी को नहीं होगी। जो मैंने पहले वाले चार्ट में बताया, ये है मेरा ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग को दो, सेकेंड प्रायोरिटी मेरी रिलेशनशिप को दो और थर्ड प्रायोरिटी मेरी फिजिकल फैसिलिटी को दो। तो इस तरह से जब हम काम करेंगे तो मेरी एनिमल कॉन्शियसनेस मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आता है सेकेंड कि जो है रिलेशनशिप, मतलब संबंध। तो रिलेशनशिप क्या है, इन द नेचुरल ऑर्डर फॉस्टरिंग हार्मनी नेसेसिटेट्स एस्टैब्लिशिंग अफेक्शनेट कनेक्शन विद, अफेक्शनेट मतलब एक अच्छा कनेक्शन, एक अफेक्शन होना, किसी से कनेक्टेड महसूस करना या कनेक्टेड फील करना, कनेक्टेड कनेक्शंस बनाना विद फेलो इंडिविजुअल्स। रिलेशनशिप्स ग्राउंडेड इन लव कॉम्प्रिहेंशन केयर एंड रिस्पेक्ट आर एसेंशियल। तो ऐसे रिलेशनशिप्स या फिर ऐसे संबंध जिनका जो बेस है वो लव के ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्रिहेंशन या फिर केयर के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्पेक्ट है जिस रिलेशनशिप में भी, वो बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में लव, रिस्पेक्ट, केयर ये सब होना बहुत जरूरी है। इंश्योरिंग दैट अनसर्टेनिटीज डू नॉट ओवरशैडो द पाथ टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है, वही कि हमारे पास सही संबंध होने चाहिए हमारे, और जो हमारे कनेक्शन है वो अफेक्शन के थ्रू बनने चाहिए, और जो रिलेशनशिप है उसमें लव होना चाहिए, केयर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो हमारी सेकेंड प्रायोरिटी क्या हो गई, रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, अब है मेरी थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज। तो फिजिकल फैसिलिटीज आर एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग सच एज, फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, वो सारे ह्यूमन बींग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फूड हो गया, खाने की चीज है, कपड़े हैं, शेल्टर है, रहने की जगह एंड प्रोटेक्शन। द एबिलिटी टू फुलफिल दीज नीड्स एज नेसेसरी इज फैसिलिटेड बाय प्रॉपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फिजिकल फैसिलिटीज क्या हो गया, फिजिकल फैसिलिटीज हो गया, खाने की चीज हो गई, कपड़े हो गए, शेल्टर हो गया, ये सब मेरी फिजिकल फैसिलिटीज में आ गई और ये ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी है, एडिक्वेट नहीं है पर नेसेसरी है। और ये जो एबिलिटी टू फुलफिल दीज नीड्स क्या है, जो हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है इन नीड्स को फुलफिल करने की, इनको गैदर करने की, वो जरूरी है। ठीक है, इस फैसिलिटेड बाय प्रॉपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि अगर हमें प्रॉस्पेरिटी के अगर हम एस्पेक्ट में देखें तो उतना ही एक्यूमुलेट करें जितना हमारी कि हम प्रॉस्परस हो सकें। रिच होने का कोई ऐसा सेंस नहीं है कि हम रिच हैं और हम अंदर से फुलफिल महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अंदर उतना कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि हम अपनी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकें विद अ प्रॉपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से हमें पता होगा कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमें किसको पहली प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है, और कैसे एनिमल से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हमें जाना है। ठीक है, अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है चार बार एस का, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी एंड फीलिंग प्रॉस्पेरस, सच पीपल कैन बी सेड टू बी मटेरियली एफ्लुएंट, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साधन संपन्न। साधन का मतलब क्या हो गया, साधन का मतलब हो गया कि मटेरियलिस्टिक थिंग में हम एफ्लुएंट है, मतलब हमारे पास इनफ फिजिकल फैसिलिटीज हैं। ठीक है, साधन में हम संपन्न हैं, सुखी हैं और समृद्ध हैं, मतलब जो हमें फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए, जो हमें चीजें चाहिए उसमें हम, हमारे पास सारी चीजें हैं, हम हैप्पी हैं और हम इसीलिए प्रॉस्पेरस हैं। ठीक है, द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस कैन बी रिटन एज SSS एंड दस वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, वी नीड टू वर्क फॉर ऑल थ्री, दिस इज द ऑर्डर इन विच वी हैव टू वर्क। और अगर हमें इस स्टेट में जाना है जहां पर हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज तो हुई और हम हैप्पी और प्रॉस्पेरस एट द सेम टाइम हम फील करें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस ऑर्डर में काम करके। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि इस ऑर्डर में हमें अपनी प्रायोरिटीज को रखना है, जिसमें पहली प्रायोरिटी क्या हो गई, राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई, सेकंड प्रायोरिटी क्या हो गई, रिलेशनशिप हो गई, और थर्ड प्रायोरिटी क्या हो गई, फिजिकल फैसिलिटीज हो गई। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में, रिलेशनशिप मेरे ह्यूमंस के साथ हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं तब, और फिजिकल फैसिलिटीज कब, जब हम नेचर में, नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्किंग विद दिस ऑर्डर वी आर एबल टू इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद ह्यूमन बींग एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी विद रेस्ट ऑफ नेचर। और जब हम इस ऑर्डर में काम करेंगे, इस ऑर्डर में अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें उससे म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी, या फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस बोल सकते हो आप लोग ह्यूमन बींग्स में, और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर होगी, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ। ठीक है, तो
एस एस का मतलब समझ में आ गया कि ये पेपर में आता है, या तो ये ऐसे पूछ लेगा कि इसका एस 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 इसका आप क्या बताओ, इसका आप समझाओ इसको क्या होता है और किस तरह से हमें काम करना है। तो आप लोग क्या करना कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको पहले समझाना कि ये साधन संपन्न सुखी समृद्ध इसको कहते हैं, फिर मेटेरियली एफ्लुएंट होते हैं जैसे लोग, या फिर इनफ फिजिकल फैसिलिटीज होती है वो, और इसीलिए वो हैप्पी और प्रॉस्परस है। और इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऑर्डर में काम करेंगे जिससे हमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट मिलेगी और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, अब इसी के अंदर दो कैटेगरीज और आती हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज क्या होती है, SBDD। तो इसमें क्या है, दोस दैट डू नॉट हैव फिजिकल फैसिलिटी, तो ऐसे लोग जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, वेल्थ नहीं है, मतलब पैसा नहीं है एक तरह से समझ लो, एंड फील अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, दैट इज SBDD, साधन विहीन दुखी दरिद्र मटेरियली डेफिशिएंट अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। ठीक है, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है SBDD, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साधन विहीन। साधन यहाँ पर क्या हो गया, साधन फिजिकल फैसिलिटीज को समझ लो कि साधन मतलब क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है, विहीन का मतलब क्या होता है, विहीन का मतलब होता है कि चीजों की कमी होना या फिर ना होना उनका। ठीक है, तो जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास नहीं है, जिससे वो क्या है, जिससे वो दुखी हैं और दरिद्र हैं। दरिद्र मतलब डिप्राइव्ड होता है, मतलब किसी चीज की कमी को हम दरिद्र की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि SBDD का मतलब है साधन विहीन दुखी दरिद्र, जो कि मेरी सेकेंड कैटेगरी है, और ऐसे लोग क्या होते हैं, मटीरियल डेफिशियंट, मतलब मटेरियल के बेसिस पे वो क्या है, डेफिशिएंट है, उनको कमी है और इसीलिए वो अनहैप्पी हैं और डिप्राइव्ड हैं। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी क्या हो गई, SSDD, इसका मतलब क्या है, दोस दैट हैव फिजिकल फैसिलिटीज, मतलब ऐसे लोग जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज और वेल्थ भी है लेकिन वो फिर भी अनहैप्पी और डिप्राइव्ड है, मतलब चीजें होने के बावजूद वो अनहैप्पी और डिप्राइव्ड महसूस कर रहे हैं, प्रॉस्पेरस नहीं समझ रहे हैं खुद को। तो इनको क्या बोलेंगे, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, मतलब साधन एकदम संपन्न स्टेट, मतलब साधन से वो संपन्न है ना, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं और अपने को दरिद्र मतलब डिप्राइव्ड स्टेट में मान रहे हैं। तो मटेरियली एफिलेंट अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, सो बस दीज आर स्टेट्स वी डोंट वॉन्ट टू बी, मतलब इन दोनों जो स्टेट्स हैं SBDD और SSDD, इन स्टेट्स में हमें नहीं रहना है। इन स्टेट्स में क्या है, एक के पास साधन है लेकिन वो फिर भी अनहैप्पी और डिप्राइव्ड है, और दूसरे के पास साधन नहीं है और भी वो फिर भी क्या है, दुखी है और डिप्राइव्ड है। ठीक है, मतलब दूसरे के पास फिजिकल फैसिलिटीज होने के बावजूद भी वो डिप्राइव्ड और अनहैप्पी हो रहा है। हमें किस कैटेगरी में रहना है, हमें इस कैटेगरी में मूव ऑन करना है, जिस कौन सी कैटेगरी है, वो थर्ड कैटेगरी, दैट इज फिजिकल, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी एंड फीलिंग हैप्पी एंड प्रॉस्परस, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो कि क्या होंगे, मटेरियली एडिक्वेट हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो हमें इन दोनों से हमें कन्वर्जन या फिर मूव ऑन करना है, किसके ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। ठीक, अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, जैसे मैंने यहाँ पर PYQ अटैच कर दिए हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे, वो नहीं लिखोगे कि फिजिकल फैसिलिटीज नहीं, आप लोग को क्या करोगे, यहाँ पर पूरा वो चार्ट बनाना कि फर्स्ट नंबर पे क्या होगा मेरा, फर्स्ट नंबर पे मेरा राइट अंडरस्टैंडिंग होगा, सेकंड नंबर पे रिलेशनशिप और थर्ड नंबर पे फिजिकल फैसिलिटी, फिर उसको सारे पॉइंट्स को इलैबोरेट करना और बताना कि जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं उनमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे हम इस ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहीं पर यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अब है इलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन साधन विहीन दुखी दरिद्र एंड साधन संपन्न दुखी दरिद्र, जो मैंने बता दिया। ठीक है, SBDD और SSDD। ठीक, हाँ, पता है ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस, ऑल्दो मैंने पहले समझा दिया लेकिन एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस कम इनटू प्ले विद रिगार्ड टू फिजिकल फैसिलिटीज, तो जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस होते हैं वो किसके 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 बेस पे होते हैं, फिर किसकी बात करी जाती है इसमें, फिजिकल फैसिलिटीज की बात करी जाती है। ठीक है, तो फिजिकल फैसिलिटीज कैन बी इजिली टर्म्ड एज लिविंग इन एनिमल कॉन्शियसनेस, सिंस वन इज ओनली कंसर्न्ड विद सैटिस्फाइंग फिजिकल अर्ज एंड लिविंग विद राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या है, जो फिजिकल एनिमल कॉन्शियसनेस है वो क्या है, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हम फिजिकल फैसिलिटीज को ही इंपॉर्टेंस देंगे नंबर वन पे, बाकी हम किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। उसी तरह से जो मेरा ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो क्या होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी, रिलेशनशिप को सेकंड, फिजिकल फैसिलिटीज को थर्ड। अब इस पे हमें एक एग्जांपल लिया है, क्या एग्जांपल है, कंसीडर योर पेट डॉग, आप लोग के पास अगर कोई डॉग है तो उसका एग्जांपल लो कि इट फाइंड्स हैप्पीनेस इन द फूड यू प्रोवाइड एंड कंटेंटमेंट पोस्ट मील विदाउट कंटेम्पलेटिंग द प्रिजर्व प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन। इन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन प्लेस सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑन डाइवर्स कुकिंग मेथड्स एंड द अपीलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फूड ऑन द डाइनिंग टेबल, कॉन्सिक्वेंटली फिजिकल फैसिलिटी अलोन डू नॉट एनकंपास ऑल ह्यूमन डिजायर्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिया गया, यहाँ पर एक पेट डॉग का एग्जाम्पल लिया गया है। पेट डॉग
को क्या होगा कि हम लोग अगर उसको जो खाना देते हैं वो उसी में खुश रहता है कि चलो हमें खाना मिल गया। वो ये नहीं देखता कि खाने को कैसे प्रेजेंट किया गया या कैसे उसको प्रिपेयर किया गया। उसको खाना मिल गया, वो खुश हो गया, बाकी उसको उसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। उसी तरह से इन कॉन्ट्रास्ट क्या है, जो ह्यूमंस हैं वो इंपॉर्टेंस देता है कि कैसे खाना बनाया गया और कैसे खाना को प्रेजेंट किया गया है। उसके लिए वो भी ज़रूरी, सिर्फ खाना उसको दे देना उसके लिए वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट किया गया और कैसे बनाया गया है, ह्यूमंस उसको भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए फिजिकल फैसिलिटीज मतलब क्या है कि एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज को इंपॉर्टेंस देना, और एनिमल ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, इन दोनों चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना, जैसे हमने पहले बताया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का जो कि है लेवल्स ऑफ लिविंग। ठीक है, लेवल्स ऑफ लिविंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि यूएचवी की पांचों यूनिट है, तो मेरे यहाँ पर पहले लेवल पे हमें पूरा यूएचवी का एक तरह से समझ सकते हो कि पूरे यूएचवी में हमें पढ़ना का एक पूरा आइडिया दिया गया है। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट से हम इन चारों लेवल को पढ़ेंगे कि सेकेंड यूनिट में ये लेवल है, फिर थर्ड पे ये, फोर्थ में ये दोनों कंबाइन हो गया, और फिफ्थ में हमें एथिकल बेसिस पे कैसे रहना है वो समझाया गया। तो हम देखते हैं कि लिविंग के लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये सारे लेवल्स हमारे ज़रूरी है एक हार्मोनियस स्टेट पे जाने के लिए। सबसे पहले लेवल होता है माई सेल्फ, मैं खुद। तो सबसे पहले हम कहाँ चेंज लाएंगे, खुद के अंदर। ठीक है, सो द इनिशियल लेवल ऑफ आर एग्जिस्टेंस वी इनहैबिट आर ओन सेल्स, आर यूनिकनेस इज शेयर्ड बाई इंडिविजुअल थॉट्स, डिजायर एंड चॉइसेस। ठीक है, तो कुछ मतलब नहीं है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है कि खुद में सबसे पहले क्या होगा, माई सेल्फ में, कि मैं खुद की बात कर रही हूँ। तो खुद में क्या होगा कि हमारे अंदर जो यूनिकनेस है, अगर हम सब लोग अलग अलग हैं, ठीक है, किसी सबका चेहरा अलग अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबकी डिजायर, सबकी इच्छाएं अलग है, सबकी चॉइसेस अलग हैं, तो ये हर इंडिविजुअल, हर ह्यूमन बींग को डिफरेंट बनाती है। तो ये हो गया लिविंग इन माई सेल्फ, मतलब पहला लेवल जो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। अब आता है लिविंग इन फैमिली। फैमिली में हम जब इंटरेक्ट करते हैं, तो मूविंग टू सब्सिक्वेंट स्टेट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व लिविंग विद इन द फैमिली यूनिट इनकम्पासिंग पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स। ठीक है, तो फैमिली में क्या हो गया, फैमिली में हो गया कि जब हम अपने पेरेंट्स सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब पहले मैं आ गई, फिर मेरी पूरी फैमिली लेवल में आ गया। उसके बाद तीसरा लेवल क्या हो गया, तीसरा लेवल हो गया सोसाइटी के साथ, कि जब बहुत सारी फैमिलीज, जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी मतलब क्या है, कॉलोनी समझ लो, है ना, कि एक कॉलोनी के अंदर बहुत सी फैमिलीज होती हैं, बहुत से घर होते हैं। तो वो हो गया मेरा सोसाइटी के अंदर की विद लिविंग इन फैमिली, सिंस फैमिली इज अ सब ग्रुप ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। जब बहुत सी फैमिलीज मिलती हैं तो वो एक सोसाइटी बनाती है। और नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी लिव इन नेचर एंड दिस लार्ज इकोसिस्टम इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, द फैमिली एंड द सोसाइटी। तो नेचर और एग्जिस्टेंस क्या हो गया, सोसाइटी जहाँ पर रहती है, जहाँ पर हम लोग सब लोग रहते हैं, उसको नेचर या एग्जिस्टेंस बोल देते हैं। तो चार लेवल क्या हो गए मेरी लिविंग के, लिविंग इन myself, living in family, living in society and living in nature existence। और एक एक करके हम ये चारों लेवल को पढ़ेंगे और डीप में जब हम आगे यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी यूनिट वन खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो मुझको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।